हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भरवा हरी मिर्च फ्राई बनाना बता रही हूँ। भरवा मिर्च फ्राई के लिए हमने ये मोटी वाली मिर्च ली है और इसे हमने बीच से कट कर दिया। ये देखिए, आप ऐसे कट कर ले। अगर अभी इसके अंदर के बीजे मोटे हैं तो उन्हें निकाल दे, वरना आप ऐसे ही भर ले, और ज्यादा लंबी हो तो बीच से धो कर दे। एक मीडियम साइज का नींबू, 10 से 12 कली लहसुन की, अगर आप लहसुन को पसंद ना करें तो इसे आप ना भी डालें। 2 छोटे चम्मच मेथी दाना, 1 टेबल स्पून मोटी सौंफ, 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर, 2 छोटे चम्मच खड़ा जीरा, 1 टेबल स्पून राई, नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और फ्राई करने के लिए तेल लगेगा। मैं यहाँ रिफाइंड तेल इस्तेमाल करूँगी, आप चाहे तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पैन लिया है, पैन गरम हो चुका है, इसमें हम सारे खड़े मसाले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। जीरा, सौंफ, मेथी दाना और राई, चारों ये खड़े मसालों को हम हल्के से गरम कर लेंगे ताकि ये आसानी से पिस जाए। ये गरम हो चुका है, इसको ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। ये ठंडा हो चुका है, इसे हम पीसने के लिए जार में डाल देते हैं। हम इसी के साथ धनिया पाउडर भी डाल देते हैं, हल्दी पाउडर और आमचूर पाउडर, ये सब को हम बारीक पाउडर बना लेते हैं। हमने ये सब सूखे मसालों का पाउडर बना लिया है। आप इस पाउडर को आराम से एयर टाइट जार में भरकर इसे महीने भर चला सकते हैं, और जब मन करे आप फटाफट मिर्ची तल लें। हमने 10 से 12 हरी मिर्च ली हैं, उसके लिए हमें कम से कम 1 टेबल स्पून भर के ये पाउडर चाहिए। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और एक बार इसको फिर से पीस लें। ये हमने लहसुन नमक डाल के पीस लिया है, और ये थोड़ा सा गीला है लहसुन की वजह से, इसमें हम थोड़ा सा हाफ नींबू का रस और डाल देंगे ताकि भरने में हमें आसानी हो। नींबू के रस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम मिर्चों में भरेंगे। ऐसे भर भर के रखते जाएं। इसी तरह हम सभी को भर लेंगे। हमने पूरी मिर्चों को अच्छे से भर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। हम अब इसमें मिर्च तलेंगे, ऐसे एक एक करके रखते जाते हैं। और इन्हें धीमे आंच पे तरीके से फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हमने गैस बंद कर दी है। इसी में हम हाफ नींबू जो रखा था उसे भी निचोड़ देते हैं और ठंडा होने देते हैं। ठंडे होने के बाद हम इसे जार या बाउल में निकाल लेंगे। ये मिर्च का झटपट बनाने वाला अचार है, और ये किसी भी खाने में स्वाद ले आता है। इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।